जो हम तृतीय पाठ पढ़ाई कर रहे थे और हमारे तृतीय पाठ में क्या था टॉपिक? यत्र तत्र। तो हम प्रीवियस क्लास में कहाँ देखे थे? यत्र दीपः अस्ति तत्र प्रकाशः अस्ति, यहाँ दीप है वहाँ रोशनी है। तो आज हम उसके आगे देखेंगे। देखो बुक निकालो और पहले मेरे साथ साथ रीड करो, उसके बाद उसका मीनिंग देखो। देखो यत्र अग्निः अस्ति तत्र धूमः अस्ति। जहाँ यत्र का यहाँ वह इधर, जहाँ अग्निः आग अस्ति है तत्र, तहाँ धूमः धुआं है। जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है। जब हम कुछ जलाते हैं धुआं उठता है ना ऊपर, तो जहाँ आग है जब हम आग जलाते हैं धुआं उठता है, तो जहाँ आग है वहाँ धुआं है। फिर देखो यत्र उद्यानम अस्ति तत्र पुष्पवृक्षः अस्ति। यत्र जहाँ उद्यानम बगीचा अस्ति है, जहाँ बगीचा है तत्र तहाँ क्या है? पुष्प वृक्ष अस्ति। पुष्प वृक्ष है, फूल का पेड़ है। जहाँ बगीचा है, बगीचा में क्या होता है? फूल का पेड़ होता है ना। जहाँ बगीचा है वहाँ पुष्प वृक्ष में फूल का पेड़ है। फिर देखो यत्र हट्टः अस्ति तत्र कोलाहलः अस्ति। यत्र जहाँ हट्टः अर्थात बाजार, जहाँ बाजार है तत्र तहाँ क्या है? कोलाहल शोर या हल्ला है। आप लोग बाजार गए होंगे ना, आप लोग मार्केट जाते हैं ना, मार्केट में क्या होता है? मार्केट में क्या शांत होता है? नहीं ना, कभी मार्केट शांत रहता है? हर टाइम मार्केट में क्या होता है? शोर होता है, हल्ला होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं। इसीलिए जहाँ यत्र यहाँ हट बाजार अस्ति है तत्र कोलाहल अस्ति, तत्र हल्ला है, तत्र शोर है। फिर देखो यत्र चंदन वृक्ष अस्ति, जहाँ चंदन का पेड़ है तत्र सुगंध अस्ति, तहाँ क्या है? खुशबू है। जहाँ चंदन के पेड़ है वहाँ खुशबू है। आप लोग के घर में तो होगा चंदन का जो काट है, जो टुकड़ा है होगा, क्योंकि वो चंदन का पेड़ में हम क्या करते हैं? उसमें हम भगवान का पूजा करते हैं। और वो पेड़ कैसे है? वो पेड़ के आसपास हम जाएंगे ना, बहुत सुगंध आएगा, बहुत खुशबू आएगा। वो पेड़ के आसपास भी चले जाएंगे तो हमको बहुत खुशबू आएगा वो पेड़ से। तो इसीलिए जहाँ चंदन का पेड़ है, चंदन वृक्ष अस्ति, चंदन पेड़ है तत्र तहाँ क्या है? सुगंधा खुशबू है। जहाँ भी हमको चंदन का पेड़ मिलेगा, चंदन का पेड़ में हमको खुशबू मिलेगा। ठीक है, चंदन का पेड़ ही एक खुशबू होता है। मतलब वो इतना अच्छा खुशबू है, उसके आसपास जाएंगे भी हमको पता चल जाएगा कि यहाँ चंदन का पेड़ है उसके खुशबू से। ठीक है, तो ये चैप्टर को देखो, यहाँ तक आप जितना हम पढ़े हैं आज, कितना पढ़े हैं? 1 2 3 4, 4 लाइन्स पढ़े हैं। ये 4 लाइन्स को क्या करना है? आप लोग रीड करो और जहाँ डाउट है मुझे पूछो।